हेलो गाइस, वेलकम टू माय केबिस फॉर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो लोग इस डिजिटल कार प्लस को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दोस्तों, प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या क्या होता है कि वो हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। सो आइए डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम, जैसे कि मेरा जो कोई रिगर सेट कि उसका फैन दोस्तों प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, बहुत फैन। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है। तो आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमारे दोस्तों सॉल्यूशन दे जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको हेल्प मिले और दोस्तों लोग उसको इस्तेमाल करके आपका समय भी बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि मेरा जो इंटर कार प्लस है दोस्तों, सही तरीके से चल रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ देर से इसका जो फैन दोस्तों वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि दोस्तों एक यूटिल बाउंस का पूरा सेटअप ही को दोस्तों ऑफ कर दिया है, नहीं कि चार्ज नहीं पड़ रहा दोस्तों सोलर से, या फिर दोस्तों और कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, हमारा जो पैनल है दोस्तों वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है दोस्तों। और मैंने एंटर भी चेक किया और दोस्तों लोग डिस्प्ले में भी देख सकते कि वो चार्ज नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो फैन है वो बोथ साइड का फैन दोस्तों नहीं चल रहा है दोस्तों। मैंने सोलर का दोस्तों जो MCB है, सोलर पैनल का पैसन का, उसको ऑफ ऑन किया दोस्तों। उसके साथ मैंने चेंज की मेरा जो मेन इनपुट है यानी कि हमारे AC लाइन से उसको चार्ज किया, वो भी चल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फैन जो है वो दोस्तों नहीं चल रहा है बहुत साइड का फैन। तो मैंने सोचा कि दोस्तों इसका जो डस्ट वगैरह है बहुत जम चुका है, इसलिए नहीं चल रहा दोस्तों। तो इसको ओपन कर लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो वारंटी पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका दोस्तों आपका जो एक्सपायर डेट नहीं गया है तो आप लोग दोस्तों इसको मत खोलिए, क्योंकि दोस्तों इसको खोलने से आपका दोस्तों एक्सपायर डेट यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा आपका जो वारंटी मिलता है आपको। तो ऐसे करके मैं दोस्तों इसको क्लीन किया, देख सकते हैं कि पूरा क्लीन कर देंगे एकदम। तो फिर भी दोस्तों वर्क करने से मैं नहीं चल रहा दोस्तों। दोस्तों फैन आपका ख़राब हो चुका होगा, तो एक फ़ैन ख़राब होगा, दो फैन तो खराब होने का चांसेस नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोग देख सकते कि जो अंतर है कि DC जो फ्यूज़ है दोस्तों वो भी ख़राब होगा, तो बहुत फैन क्यों ख़राब होगा, एक फ़ैन चलेगा एक फ़ैन नहीं ख़राब होगा, क्योंकि उसका कनेक्शन सिम पोर्ट से नहीं जाता है दोस्तों। आप लोग मान लो कि हमारा फ़ैन ही ख़राब हो गया, लेकिन दोस्तों एक साथ दो फैन कैसे ख़राब हो सकता है। और दोस्तों फैन भी ख़राब हुआ तो हमारा जो चार्जिंग पॉइंट यानी कि डिस्चार्जिंग पॉइंट, इन्वर्टर पॉइंट कुछ भी है तो ख़राब होने का चांस होगा ही होगा। तो यह दोस्तों प्रॉब्लम दोस्तों सही कैसे करें तो मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है। मैंने यूट्यूब का प्लस से कॉन्टेक्ट किया है तो दोस्तों वो लोग तो दोस्तों आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, उसका टेक्नीशियन आकर आपको सोल्यूशन कर सकता है। लेकिन दोस्तों इतना मेरा टाइम नहीं है तो मैंने इसको सोल्यूशन और एक आप कर सकते हैं कि आप लोग एक एक्सटर्नल दोस्तों जो बार बार का फैन है तो आप लोग डायरेक्टली चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपका ज़्यादा हीट होगा, तो हीट होने से आपका दोस्तों जो सिस्टम है यानी कि आपका इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है वो दोस्तों ज़्यादा हीट होने लगेगा, आपका सिस्टम खराब होने का बहुत चांसेस है। इसलिए दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कोशिश करें कि इसको नहीं चलाने के लिए आपको छोड़ छोड़ दीजिए दोस्तों आपके, क्योंकि दोस्तों जो भी हमें प्रॉब्लम है वो हीट होने की वजह से वो और भी ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपने कौन पर फेस किया वो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।